Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear students, in a very previous video we discussed about the capital budgeting introduction, and today we are going to discuss about the capital budgeting techniques. What is capital budgeting techniques and how we can apply these are the capital budgeting techniques. So let's start our topic. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे पास यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दी कि हमारे पास कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं. नंबर वन इज़ पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड IRR. ये सिक्स टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर मैंने मैंशन किया जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड. इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है. तो पे बैक पीरियड बहुत ही सिंपल टेक्निक है और सबसे इनिशियल टेक्निक जो है वो गिनी जाती है, इसको हम पे बैक पीरियड टेक्निक कहते हैं. पे बैक का मतलब क्या है, पीरियड हम टाइम पीरियड को कहते हैं और जो पे बैक है जितना आप पे करते हैं वो कितने अरसे में हमें वापस मिलेगा. ठीक है, ये पीरियड और ये पे बैक, पे और बैक, हम पे करेंगे और बैक कितने अरसे में हमें मिलेगा, इसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं. लेट्स स्टार्ट. द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट एज कैलकुलेटेड फ्रॉम कैश फ्लोज. हम ये चेक करते हैं कि हमने जो टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आज इन्वेस्टमेंट की है 2 लाख, उसको हम कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर सकते हैं. इस चीज को हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड. अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स अवैल्यूएट करने, हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को अवैल्यूएट करना है. उस अवैल्यूएशन करने के लिए हम ये टेक्निक को यूज करते हैं, पे बैक पीरियड की टेक्निक को. इसका सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब हम कोई प्रोजेक्ट अवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पे उसको डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है या नहीं एक्सेप्टेड, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्ट को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, इफ पे बैक पीरियड लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड. जो पे बैक पीरियड है, जो आपको मिलने का, जो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का जो पीरियड है, वो अगर तो जो कंपनी ने सेट किया है पीरियड उससे अगर तो वो कम है, ठीक है, लेस है, तो इसका मतलब उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल. और अगर जो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया ये ग्रेटर देन है पे बैक पीरियड से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, 4 ईयर्स है कंपनी ने सेट किया पे बैक पीरियड, कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें 4 साल में हमें 1 लाख रिकवर कर देगा तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, अगर तो ये करता है, ये है आपका एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड. अगर ये वाला प्रोजेक्ट जो ये लगा रहे हैं हम, अब ये अगर 5 ईयर्स में रिकवर करे तो इसका मतलब ये रिजेक्टेड, अगर 3 में कर दे तो एक्सेप्टेड, अगर 4 में भी कर दे तो एक्सेप्टेड होगा. बात समझ आ रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ पे बैक पीरियड ग्रेटर देन मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, इसको प्रोज एंड कॉन्स भी हम उसके कह सकते हैं. एडवांटेजेस में क्या है, सिंपल है, वेरी सिंपल टू यूज, इसको इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है. आप सिंपल डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर सकते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर सकते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट को भी एवेलुएट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होता है. ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही ईजी है ये. फिर उसके बाद क्विक सोल्यूशन है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, क्विकली आपको जो है ये रिस्पॉन्ड करता है. फिर हमारे पास है प्रेफरेंस टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देता है, मींस टू से दैट कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई अनसर्टन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अनसर्टन है, हमें रिस्क है उसमें, तो हमें ये जितनी जल्दी लिक्विडिटी हमें रिकवर करके देता है कि जितनी जल्दी हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं. हमें पता चलता है कि अगर ये सबसे पहले ईयर हमें कितना कैश फ्लो मिल रहा है, दूसरे साल कितना कैश फ्लो मिल रहा है, तो हमारे लिए वो प्रेफरेंस होती है. ठीक है, फिर है यूजफुल इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ प्रोजेक्ट्स अनसर्टन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लार्ज प्रोजेक्ट हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जहां पर रैपिड चेंजेस होती हैं. ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए हम ये पे बैक पीरियड को यूज करके उसको एवेलुएट कर सकते हैं जहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी होती हैं. ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट पे बैक यूज करना जो है वो बहुत अच्छा है. फिर उसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. सबसे पहले है हमारे पास इग्नोर टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है. टाइम वैल्यू हम जो के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले में, जिसमें क्या ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम को कंसीडर नहीं करता, जस्ट कैश फ्लो आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं होता. ठीक है, टाइम वैल्यू को ये इग्नोर करता है. फिर नॉट ऑल कैश फ्लो रिकवर्ड, अच्छा
ये सारे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसको रिकवर नहीं करता। मींस कि अगर इसका एक्सेप्टेबल पीरियड है जी चार साल तक ये अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करता है, उसके बाद आने वाले जो पीरियड्स हैं वो या तो कैश फ्लो वो रिड्यूस हो जाते हैं या वो मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिकवर नहीं कर पाता, एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है। नॉट रियलिस्टिक एंड इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी, ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक रियलिटी पे बेस नहीं करता, ये जो है वो जिसको कहते हैं कि हम इमेजिनरी इसको कर रहे होते हैं, लेकिन ये रियल बहुत सारी जो चीज़ें हैं हकायक हैं उस पे बेस ये नहीं करता। फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी इग्नोर कर देता है, जो प्रॉफिट मिलने का टाइम आता है या तो वो रिड्यूस हो जाता है या वो कम हो जाता है, कैश फ्लो से आपको प्रॉफिट उतना प्रॉपरली आप उसको अवैल्यूएट ही नहीं कर पाते या आपको निकाल ही नहीं पाते, तो ये तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर नेग्लेक्ट द प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो निग्लेक्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है, देखें हम क्या करते थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस करते थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी कंपनीज होती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, अगर नहीं उसको उतना मिलता जितना उनको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है तो वो उसको स्क्रैप में डाल देती हैं उस प्रोजेक्ट को। तो ये क्या करता है, जो पे बैक पीरियड है ये बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम ही नहीं करता, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेता ही नहीं है, मतलब 10% 12% 15% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर तो ये वर्कआउट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसमें सिंपल आप अगर आपने बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आपने रिकवर करना होता, जैसे मैं क्वेश्चन से भी आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए इजी टू यूज तो है, क्विक सॉल्यूशन भी देता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है रियलिस्टिक बेसिस पे नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन है उसको भी ये रिकवर नहीं कर पाता। तो ये कुछ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए। अब हम पे बैक पीरियड का प्रॉपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, यहां पे मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ईयर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, सिंपल एक प्रोजेक्ट भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, तो मैंने दो यहां पे मेंशन किए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, इसको हम माइनस के साथ भी शो करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है, क्वेश्चन में आपको गिवन होती है कि इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इतना एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है, इस प्रोजेक्ट का जो एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है वो कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है 4 ईयर्स, 4 सालों में जो प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगा वो एक्सेप्टेबल, जो नहीं करेगा वो रिजेक्टेड, ठीक है। ये चीजें आपको गिवन होंगी, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये आपको। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है किस तरह से, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने बताया कि इसमें रिकवर करते हैं, तो पहले साल आपको कितना मिल रहा है, 10,000, 20,000, फिर 30,000, 60 हो गए, फिर फोर्थ ईयर आपको कितने मिल रहे हैं, 40। तो यहां तक आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर हो जाती है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, इस प्रोजेक्ट ए का जो एक्सेप्टेबल पीरियड है, प्रोजेक्ट ए का जो एक्सेप्ट पीरियड है वो है 4 ईयर्स, ठीक है। तो आपका एक्सेप्टेबल पीरियड कितना है, 4 ईयर्स, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अपने क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ये इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट बी पे चलते हैं, इसमें भी आपको पहले साल मिल रहा है 40,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000, यहाँ पे 1 लाख हो गया, ये भी 4 ईयर्स में रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेड है। ये दोनों प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट अब एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब आपको ये एवेलुएट करना है कि आपको अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंड्स का, कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हो तो आपको एक प्रोजेक्ट दोनों में से चूज करना पड़ता है, आइदर वो दोनों एक्सेप्टेड हो, क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो दोनों चूज हो सकते हैं, म्यूचुअली होंगे तो एक प्रोजेक्ट चूज हो सकेगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको इन दोनों में से प्रोजेक्ट को चूज करना हो तो आप किस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, दोनों का पे बैक पीरियड सेम है, तो फिर आप क्या उसमें एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये पहले साल आपको 10,000 दे रहा है, ये 20,000, ये 30,000, इसका मतलब 3 सालों तक आपकी 60,000 की इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई। तो इधर चलते हैं, पहले साल 40,000, फिर 30, फिर 20, 90,000 की इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे इवन इन केस हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये रिकवर नहीं कर पाता, अनसर्टेन कंडीशन है उसके डिसएडवांटेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो भी तो इसका मतलब ये कि हम 3 सालों में 90,000 तो रिकवर कर चुके होंगे ना, इसमें 60,000 रिकवर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें हम जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते होंगे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी, सिंपल आपने इसी तरह से इसको बताना जितने 4 साल हैं इसके 5 साल। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी हो, मैं बहुत डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपको यहाँ पे 40 हैं, 30 हैं, 20 हैं और 10 हैं, ठीक है,
अभी यहां पे सिचुएशन ऐसी आ जाए कि यहां पे आ जाए 20,000, यहां पे 20,000 आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखें ये भी चार सालों में रिकवर हो रहा है अभी, ठीक है। 40, 30, 20, ये हो गया 90 एंड देन 20, ये 110,000 बन रहे हैं, जबकि आपको पूरी पूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है 1,00,000। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने अकाउंट करना है 140 एंड 30, ये होगा 70 एंड 90। 90,000 तक हम यहां पर आ गए, इसका मतलब कितने साल बनते हैं ये, 3 years। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस करेंगे। अभी आपको डायरेक्ट उतने सालों का डाटा चाहिए जितना प्रॉपर डाटा है, तो उसको करने का फॉर्मूला क्या है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, जैसे कि ये 20,000 है ना, इसमें से आपको सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। कैश फ्लो कितना मिल रहा है, 20,000, आपको कितना चाहिए, 10,000। तो जितना चाहिए आपको वो आप यहां पर लिखेंगे 10,000, और जितना मिल रहा है आपको कैश फ्लो वो आप कितना लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 20,000। अगर इसको जस्टिफाई करें तो हम यहां पे लिखेंगे ईयर प्लस यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड कैश फ्लो CF डिवाइडेड बाय जितना आपको मिल रहा है टोटल, यहां पे टोटल लिख देंगे, टोटल कैश फ्लो, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, ये रहा आपके पास 3 है प्लस ये 10 है ये 20, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। 3 प्लस 0.5 कितना आ गया, 3.5 ईयर्स। ये एग्जैक्ट फिगर्स है जो 3.5 ईयर्स में अब ये प्रोजेक्ट अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 1,00,000 को रिकवर कर रहा है, ठीक है। चार सालों में ये कितनी कर रहा है, एक साल, ये 3.5 ईयर्स अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में लगा रहा है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट कितने में लगा रहा है, 4 ईयर्स में। तो अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जहां पे आपको 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, लेकिन वो आपको कैश फ्लो ज्यादा मिल रहा हो, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले पहले वाले साल ले लेंगे 3 प्लस जितना आपको चाहिए रिक्वायर्ड कैश फ्लो और टोटल कैश फ्लो पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक होप सो आपको इनिशियल ये इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने दूसरी टेक्निक पे मूव करना है जो कि हमारी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मैं इसी क्वेश्चन पे आपको डिस्काउंटेड पेबैक भी समझा देता हूं। यहां पे इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को बैक करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को, डिस्काउंटेड पेबैक इस तरह से सॉल्व करेंगे। डिस्काउंटेड का पहले तो मतलब समझ लें, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्काउंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि जो कैश फ्लो आपको मिलेंगे उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम पे बैक पीरियड को निकालेंगे, सिंपल इसमें यही फंड है। जबकि यहां पर हमने ये देखा था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, तो इस फीचर को दोबारा हम रिन्यू करने के लिए हम डिस्काउंटेड पे बैक पे जाते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंटेड पेबैक कैसे होगा, हम एक ही प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट बी है हमारे पास 40, 30, 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है डिस्काउंटेड वैल्यू को निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, जो कि है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइड फ्यूचर वैल्यू या कैश फ्लो लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस r की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसके साथ हमने इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू CF, पहले साल का कितना कैश फ्लो मिल रहा है, 40,000। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा आपको, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, जैसे कि ये एक्सेप्टेबल पीरियड भी आपको दिया गया होगा, ठीक है, और उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी। इसमें सिर्फ डिस्काउंटेड पे बैक में एक चीज का इजाफा होगा, वो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि यहां पर वो कह देता है कि रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आर कितना है, आपके पास 10%, ठीक है, तो वो हमने यहां पर आर ले लेना है, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1। 10 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 आ जाता है, पावर आ जाएगी 1। इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू 2 है 30,000, 1 प्लस 0.1 की पावर 2। फिर इसी तरह से हम थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 3 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू 4 हम ये 20,000 यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया था, 1 प्लस 0.1 की पावर 4। फिर इसी तरह से 5, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 5। अब ये हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से इसको
कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे जस्ट अमाउंट्स लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। पहले साल को जब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,363, फिर हमारे पास आ जाएगा 24,793, फिर हमारे पास आ जाएगा 15,026 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 13,660। अब इसका भी आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना सिर्फ जस्ट ओनली ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। अब सपोज करें कि मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड तो कितना है 4, तो इसका मतलब ये अगर तो ये हमारे 4 ईयर्स में ये वाले जो पूरे आते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अपनी 1,00,000 को रिकवर करते हैं फिर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट। अगर नहीं करते तो इसका मतलब आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो उस क्राइटेरिया में आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आप जमा करें तो ये कोई 89,000 समथिंग ये आंसर आएगा आपका। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर रहा। तो मैं इसको एक दफा से रिवाइज कर देता हूँ। अभी हमने पे बैक को डिस्कस किया, फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में भी सेम सब कुछ आपको मिलेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिलेगी, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड मिलेगा और इसमें आपको आर मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये आपको कैश फ्लो दिए गए हैं जस्ट लाइक एक प्रोजेक्ट है आपके पास ये वाला, इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सबसे पहले इन कैश फ्लोज की वन बाय वन, ठीक है। वो किस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला है उसका। यहाँ पे एन है तो पहले साल नंबर वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ठीक है। और ये आर की जगह पे 0.1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लिया और हमने अपनी वैल्यू निकाल ली, तो ये प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। डिफरेंस हमारे पास जस्ट इतना आया कि इसने डिस्काउंटेड ये जो टाइम वैल्यू है इसको जो है उसने इग्नोर नहीं किया, बाकी सारे फीचर्स और ये सब कुछ सेम रहेगा। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो फीचर है डिसएडवांटेज, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, ये बाकी जो है वो उसी तरह से रहेंगे, ठीक है, ये भी इग्नोर हो जाएगा। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसकी उसी तरह से काम करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं। आप इसको नोट कर लें फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास थर्ड टेक्निक है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ की जाती है, मानी जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू को। होती क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी होती है प्रोजेक्ट की, उससे फिर हम अवैल्यूएट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल बजटिंग टेक्निक, दिस इज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग अ प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ इक्वल टू द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें जो कैश इनफ्लोज मिल रहे होते हैं उसमें से हम जो इनिशियल उसकी वैल्यू में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि ये वैल्यू हमारे पास बच चुकी है, ठीक है। इसको आप जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होगी उसको हम जितने भी हमें इनफ्लोज मिलेंगे डिस्काउंटेड इनफ्लोज, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो हमें इनफ्लोज मिले उनको प्लस करने के बाद हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये तो था उसकी उसकी डेफिनेशन। इसके फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, सी एफ डिवाइडेड बाय कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+r की पावर n। इसको आप फ्यूचर वैल्यू भी बोल देते हैं सी एफ को, ठीक है, कैश फ्लो को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमारे पास अगर सपोज करें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि ये मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा है, ये आपके पास क्वेश्चन है 20,000, ये आपको कैश फ्लो मिल रहे हैं 5 साल तक, डिफरेंट कैश फ्लो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंट कैश फ्लो मिलने की वजह से हमें क्या होगा कि ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरा, जितने साल के भी मिलेंगे उसको हम वन बाय वन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जमा करते जाएंगे। एक तो ये है, ये किस लिए यूज होता है ये फॉर्मूला, जब आपके पास कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट हो, जैसे 20,000 अगले साल 25, फिर 30, 35, 40, और अगर हमारे पास सेम कैश फ्लोज हो, मतलब कि 5 साल तक हमें जो है वो 20,000 मिलना हो, ठीक है, जैसे कि 20 ईयर्स तक हमें
फाइव ईयर तक हमें 20,000 मिलना हो, ठीक है। तो ये सेम है, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया था, प्रेजेंट वैल्यू का सी एफ ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/(1+r) की पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सी एफ नॉट लिखा है मैंने, इधर भी लिखा है, सी एफ नॉट बोलते हैं इसको, या इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप, इधर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, उसको माइनस करते हैं जो भी आपका आंसर आता है, तो उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको 20 साल के लिए सेम कैश फ्लो मिल रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें ताकि आपका टाइम भी बचे और आप इजीली सॉल्व कर लें। और अगर आपको वन बाय वन दिए गए हैं डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो फिर आप इसको इस तरह से पहले साल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी साल हैं जमा करें इनको, फिर उसमें से सी एफ माइनस कर दें। ये बेसिकली है, इसको हम क्वेश्चन की मदद से भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डिसीजन क्राइटेरिया किस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं हम, इसमें बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सिंपल टेक्निक है इसमें जिसको हम इस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें, इसके एडवांटेजेस कौन से और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है कि पे बैक में हमने क्या देखा था, उसका डिसएडवांटेज था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, जबकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू होती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है फर्स्ट। फिर कंसीडर कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा पे बैक पीरियड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंसीडर नहीं करता, जैसे कि ये यहां पे देखें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% मिलेगी, जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मिलेगी, तो ये उसको भी कंसीडर करता है। फिर लेस अनसर्टेनिटी, एक अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें रिस्क कम होता है, जो भी अनसर्टेनिटी है, रिस्क है आपको, वो जरा इस प्रोजेक्ट के अंदर या नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें वो कम देखने को मिलता है, ये इसलिए हम इसका एडवांटेज में इसको काउंट करते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो नॉट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये अच्छा नहीं है नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में कि जब आपको डिफरेंट साइजेस के प्रोजेक्ट को मेजर करना हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा प्रोजेक्ट है आपको, स्मॉल प्रोजेक्ट है, और एक लार्ज प्रोजेक्ट है। अब स्मॉल प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वो कम आएगी डेफिनेटली, और जो लार्ज प्रोजेक्ट है उसका रिटर्न ज्यादा होगा, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वांटिटेटिव नेचर, अच्छा ये जितना भी ये बेस करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस करता है कि जीरो से वन आ गई तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये इसकी इतनी, ये क्वालिटी पे बेस नहीं करता, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करता, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जस्ट करता है, इस वजह से इसको हम इसका डिसएडवांटेज कंसिडर करते हैं। होप सो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू की समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताया। अभी हम इसकी जो है वो इसका जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है और मैं बुक से लेता हूँ, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के लिख दिया है। मैं आपको समझा भी देता हूँ, एबीसी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वो इन्वेस्ट करना चाह रही है 95,000 रुपीज़ को एक ऐसी जगह पे, एक पीस ऑफ इक्विपमेंट खरीदना चाह रही है जिसकी लाइफ 5 ईयर्स हो और उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उस पर 12% मिल रहा हो। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दी 95,000 निकाल के, आपने भी ऐसे लिखना है। लाइफ कितनी है 5 साल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12% गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर्स या जो डाटा उन्होंने दिया है वो उन्होंने यहाँ पे ईयर्स और कैश फ्लो उन्होंने 5 साल का यहाँ पे डाटा हमें निकाल के दे दिया है। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, आपको भी आएगा, आप इस तरह से उसको निकाल के लिख सकते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब कैश फ्लो डिफरेंट है तो जाहिर है आपको वन बाय वन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह से पहला साल है तो सी एफ यही वाला फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। सी एफ हमारे पास कितना है पहले साल का 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 1+r, r क्या है रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है 12%, तो 12 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 पावर आ जाएगी 1। फिर प्लस करेंगे दूसरे साल का कितना है 25,000 डिवाइडेड बाय 1+0.12 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी अब, ठीक है। फिर इसी तरह से 30,000 है नेक्स्ट का डिवाइडेड बाय 1+0.12 की पावर 3, फिर प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 1+0.12 की पावर 4, प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1+0.12 की पावर 5, ठीक है। माइनस सी एफ नॉट, सी एफ नॉट का मतलब इनिशियल
इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब हमने इनकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है और फिर हम इसको प्लस करेंगे और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया खुद से ही, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 17,857, ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, प्लस दूसरे प्रोजेक्ट की 19,930, प्लस 21,354, प्लस फिर फोर्थ ईयर की हमारे पास आ रही है 22,243, प्लस फोर्थ की हमारे पास आ रही है 22,697, ठीक है। ये हमारे पास, इसको अब हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने से ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 104,01,4081। माइनस करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो क्या है ये 95,000 की, 95,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट होके आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि आएगी हमारे पास 9,081। ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जनरेट होके आ जाएगी। इसी तरह से आपने इसका आपने फाइंड आउट किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का फाइंड आउट करने के बाद आपने इसमें से सी एफ नॉट कर दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया। तो माइनस यहाँ पे ये देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी हमने माइनस की और ये इन सब का टोटल था, ठीक है, एज पर आर स्टेटमेंट के हमारे पास जितना भी कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आएगा उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो हमने कर दिया तो वो 9,000। अब डिसीजन क्राइटेरिया हमारा क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सपोज करें यहाँ पे तीन प्रोजेक्ट आपको कंपेयर करने हैं तो एक की वैल्यू 9,081 आ रही है, दूसरे की 10,000, तीसरे की जो है वो 5,000, तो इसका मतलब ये कि जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और वैसे तो तीनों प्रोजेक्ट ही क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो तीनों ही चूज किए जा सकते हैं इफ यू हैव एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट फंड्स आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। अब इसके बाद जो फोर्थ टेक्निक है वो है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, मैं इसको फिर जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, चलें। अभी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बताने लगा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है और फोर्थ टेक्निक है हमारी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये रिलेटेड टू है नेट प्रेजेंट वैल्यू के, इसी वजह से मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ साथ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है ये वाली, ठीक है, उसी से ही अगला एक स्टेप है ये, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सी एफ नॉट। सी एफ नॉट किसको बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। यहां पे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मेंशन कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। जब भी ये रिलेटेड टू है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आएगा। और अगर आपसे डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछता है तो पहले आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, उसके बाद सी एफ नॉट को उसको डिवाइड कर दें। नेट प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से निकालनी है, सी एफ नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होती है, आप उसको निकाल सकते हैं। सपोज करें अगर हमें इसको फाइंड आउट करना होता तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है 9,081, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है 95,000, तो हम इसको डिवाइड कर देते, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया भी फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिसीजन क्राइटेरिया इसका क्या हो सकता है। डिवाइड करेंगे हम इसको 95,000 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.095। इसको आप अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाता है 9.5 सपोज करें, ठीक है। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आया, 9.5 आ गया। एक एग्जांपल के तौर पे हमने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। अब ये 9.5 का मतलब ये है, इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, अगर ग्रेटर देन होगा 1 से, ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट,
ठीक है, और अगर लेस देन होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। चलें, ये यहां पे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसके साथ ही यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा किस तरह से आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करने से आएगा। और इसका डिसीजन क्राइटेरिया ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है 1 से तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन आ रहा है 1 से तो इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट उस वक्त रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे हमने डिसाइड कर लिया कि 1 से अगर ग्रेटर देन है तो एक्सेप्ट है, और अगर 1 से लेस देन है तो रिजेक्ट है। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के जो इस पूरे जिसमें हमने डिस्कस किया है वो हमने 4 वैल्यूज को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट में हम IRR को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, और मॉडिफाइड IRR को डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका हो किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।